हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ लॉगरिथम। लॉगरिथम में सबसे पहले हम लोग यहाँ बेसिक थ्योरी भी जानेंगे कि लॉगरिथम एक्चुअली में क्या होता है, और फिर इनके फॉर्मूले जानेंगे, और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए एनडीए में उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में माना जाता है। तो सभी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं इस एक ही लेक्चर में, तो बने रहिए एंड तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ए की पावर एक्स कहीं आ जाए तो कोई वैल्यू ना कोई वैल्यू दे देता है, ये समझा। अच्छा, क्योंकि अभी हमने जो बात किया, एक बात हमने तो कर डाली है। क्या बात कर डाली है? कि जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, भी तो हमने बात कर डाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स लेंगे वो भी हमने पॉजिटिव लेने के लिए बात कर डाली है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ m है तो m की बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, m लिख देते हैं हम। तो m मेरा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ये भी हमने बात कर डाली कि m मेरा पॉजिटिव होगा, a मेरा पॉजिटिव होगा। ये तो बात की ना मैंने कि m मेरा पॉजिटिव होगा और a मेरा पॉजिटिव होगा, कंफर्म, कोई डाउट तो है नहीं। ये बात हमारी हो चुकी, तो ये x इज इक्वल टू हमारे पास ये बना कि m मेरा पॉजिटिव होगा, a मेरा पॉजिटिव होगा, ये तो कन्फर्म हो चुका। लेकिन एक बात और निकल के आई, क्या मैंने a पर अगर एक रख देना है तो x मेरा कुछ भी हो जाए? अगर मैं एक जगह पे एक रख दूं तो x मेरा कुछ भी हो जाए, ये वैल्यू तो एक ही देगा, फिर तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेस में एक लिख दूं तो m मेरा यहाँ कुछ भी आ जाए, कुछ भी आंसर में कुछ भी लिख दूं तो यहाँ बेटा तो आपका आंसर तो फिर फॉल्ट कर जाएगा ना। नहीं समझ मेरी बात। अगर मैं चलो एक की पावर दो लिख दूं तो भी तुम एक ही बोलोगे। अब मैं रिटर्न जब लॉग ले लूंगा तो तुम बोलोगे सर लॉग एक, और यहाँ एक इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? दो आ गई है। हम बोलेंगे नहीं दो नहीं था बेटा, तीन था। तो आप बोलोगे अच्छा तीन आ गई है। हम बोलेंगे नहीं बेटा तीन नहीं था, चार था। तो आप बोलोगे चार आ गई है। डिफाइन कर पा रहे होगा कितनी आ रही है? नहीं समझे मेरी बात। मतलब ये है कि जब हम बेस में एक रख देते हैं ना, तुम वैल्यू डिस्कट ही नहीं कर पाते हैं कि भाई कहाँ कितनी थी। भाई तुम कुछ सोचोगे, अगर हम यहाँ पे बेस में अगर एक रख लेंगे तो पावर कुछ भी करने की प्रयास करेंगे, इन्फिनिटी को छोड़ के कुछ भी पावर रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास तो वैल्यू एक ही देगा ना। तो जब हम इधर से आएंगे कि हमारे पास पावर क्या रही होगी, हम अगर यहाँ पे खड़े होकर सोचें कि भाई साहब किसकी पावर रही होगी, कितनी रही होगी, कितनी वैल्यू लिख दें हम, तो तुम सोच ही नहीं पाओगे कितनी वैल्यू रखने पर आ जाए। मतलब अगर हम यहाँ पे एक लिख देते हैं तो इसका आंसर आपका क्या आता है? इसका आंसर एक भी आ सकता है, इसका आंसर दो भी आ सकता है, इसका आंसर तीन भी आ सकता है, इसका आंसर चार भी आ सकता है, इसका आंसर पांच भी आ सकता है, इसका आंसर 1/2 भी आ सकता है, इसका आंसर 1/4 भी आ सकता है, समथिंग कुछ भी आ सकता है। ये बेसिक थ्योरी है, समझ पा रहे? तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग वन जब यहाँ पे वन आ जाएगा तो हमें ये भी ध्यान देना है कि लॉग यहाँ पर जो हमारा बेस है वो वन नहीं होना चाहिए, अदर देन वन होना चाहिए। तो दो चीजें निकल के आई, क्या क्या निकल गया? पहला तो निकल के आया कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दूसरा नंबर निकल गया पॉजिटिव नंबर हो लेकिन अदर देन वन, वन को छोड़कर कुछ भी हो जाए लेकिन वन नहीं होना चाहिए। नहीं समझ बात आगे? तो अगर वन हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी? वन हो जाएगा तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाओगे तुम कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, क्योंकि आंसर तो यूनिक आना चाहिए, क्योंकि लॉग एन तो लॉग भी एक नंबर ही तो है, लॉग क्या है, एक नंबर है, लॉगरिथमिक नंबर है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू तो फिर मिलेगी नहीं मुझे, इसलिए बेस में वन नहीं होना चाहिए। बातें क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। मैं स्पीड पकड़ूंगा अभी थ्योरी में, लेकिन पहले बेसिक क्लियर कर लो, फिर स्पीड पकड़ूंगा, फिर क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा, फिर क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा यार भैया ये कैसे हुआ, फिर क्वेश्चन में फीलिंग के साथ एकदम स्पीड के साथ करेंगे, और क्वेश्चन क्योंकि मुझे स्पीड से करवाने हैं तो थ्योरी मुझे अच्छे से पढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम हर एक क्वेश्चन जो कंडीशन वाले क्वेश्चन नहीं होते लॉगरिथमिक में, वो कंडीशन वाले क्वेश्चन की अप्रोचिंग भी हमारी क्या होनी पाए, अच्छी होनी पाए, नहीं तो फिर हो ही नहीं पाएगी अच्छी। नहीं समझ क्या बात आया? ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए, तो एक बात हम समझ लेते हैं बेटा कि ठीक है, अब तो बेसिक थ्योरी तो क्लियर हो ही गई हमने, कि अगर लॉग एक्स लिख दिया, लॉगरिथमिक तभी पॉसिबल है जब मेरा ये पॉजिटिव हो, अदर देन एक वन हो, और एक्स भी मेरा क्या हो, पॉजिटिव हो, एक्स मेरा पॉजिटिव हो, बस इतना बहुत है, इसमें अदर देन वन होना चाहिए। तो अगर ये होता है, अच्छा एक चीज और, जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव है लेकिन जीरो, हमने जीरो ले लिया था ना। अच्छा तुम सोचो, एक बारी इसको भी हम थोड़ा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमने यहाँ मान लो लिख दिया टू, हमने पावर कुछ भी लिख दिया, मान लो कुछ भी पावर लिख दिया, कुछ भी पावर डालें, जीरो कभी आ सकता है क्या आंसर, ये बताओ।
सोचो, जैसे अभी हमने x के रेंज में क्या लिख दिया था, हमने x के रेंज में लिख दिया था कि जीरो के साथ हमने लिख दिया था ना, इन्फिनिटी ऐसे लिख दिया था। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो जो हमने लिखा क्या वो सही रहेगा। अब हम सोच रहे हैं अगर हम जीरो रख देते हैं, जैसे यहां जीरो रख देते हैं, यहां जीरो रख देते हैं, मतलब यहां जीरो रख रहे हैं, तो कौन सी पावर में आंसर जीरो आएगा, कौन सी पावर में आंसर जीरो आएगा, सोचो, सोच पा रहे हो? इसका मतलब, मतलब एक्स में हम जीरो भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स में जीरो लेंगे तो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर जाएगा। कोई भी नंबर आप चूज करते चले जाओ, बहुत बड़ा नंबर चूज करेंगे, बहुत बड़ा नंबर शायद तुम्हें को मिलेगा, तो मुझे नहीं पता कौन सा नंबर मिलेगा, तो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर जाएगा, अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर डिफाइन कर पाए यहाँ पे, बस हम नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग बेस कुछ भी हो यहाँ पे, अगर जैसे हम जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अपवाद है, इसलिए जो हम कोशिश करेंगे x को लेने की, वो लेने की कोशिश करेंगे जीरो से इन्फिनिटी, मतलब जीरो से बड़ा लेने का प्रयास करेंगे। अब तो लॉजिक क्लियर हो गया। हमने तुम्हें कोई कंडीशन रटाओ नहीं बताई है, हमने क्वेश्चन तुम्हें लड़के सिखाया है कि बेटा लड़के कैसे निकालेंगे कंडीशन को, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हमने ये भी सीख लिया है कि ये हमारा ऐसा होना चाहिए, हमने ये भी सीख लिया है कि a मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, बट a डज नॉट इक्वल टू वन, मतलब वन नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, ठीक है, देन अगर ऐसा है देन तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा लॉगरिथमिक पॉसिबल है, अदरवाइज लॉगरिथमिक पॉसिबल नहीं है। क्या पूरी बात समझ में आ गई? लॉगरिथमिक पॉसिबल कब है अच्छे से बता सकते हो कि लॉगरिथमिक पॉसिबल कब होता है कि नहीं बता पाओगे? बता सकते हो ना? हम कभी भी लॉगरिथमिक की बात करेंगे तो हमें ये सारी दिमाग में बातें आएंगी और हम बोलेंगे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छे से कंडीशन के साथ। नहीं समझ में आया तो अभी फिर से बता दें। आ गया सभी को? आ गया, क्लियर है ना? ठीक है, तो लॉगरिथमिक की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे मन में ये सारी थ्योरीज आनी चाहिए। ओके डन। अब हम लेकर चलते हैं तुम्हें फॉर्मूले की तरफ। बेसिक बातें हो चुकी हैं, अब हम सीधे फॉर्मूले की बात करेंगे और उन पे एक छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते रहेंगे, फिर साथ में हम एक क्वेश्चन बता देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चले बेटा, अब हमने बात किया पहला नंबर फार्मूला, जो कि अभी हमने बताया तुम्हें कि लॉग बेस और ये दोनों सेम हो जाएं तो वैल्यू वन हो जाती है। रीजन मैंने तुम्हें बताया, रीजन क्या बताओगे बेटा? रीजन, रीजन में बता दोगे कि अगर हम a की पावर 1 लेंगे तभी हमारा a मिलेगा, यानी यही जो होता है यही आपका आंसर होता है। बोलो क्लियर है? निजमे के बाद ये नहीं, अच्छा ये रीजन की बात कर रहे हो, ओ हो RSION, ठीक है, क्लियर है? वो हमने वो रीजन लिख दिया, वो सॉरी, ये समझ में आ गया बात? अच्छा, सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया कि लॉग यहाँ पे अगर बेस कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वन को छोड़कर, और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, m इंटू वन अगर हमारे पास होगा तो क्या लिखेंगे हम बेटा? लॉग m लिखेंगे और प्लस लॉग n लिखेंगे। ये कैसे हुआ था अभी हमने तुम्हें भी समझाया था, क्या फिर से बताऊँ? आगे समझ में, रीजन तुम्हें समझना है तो रीजन तुम ये बता सकते हो इसमें कि भाई साहब हम जानते हैं a की पावर x मान लो ले लिया तो उसको हमने लिख दिया m, a की पावर y ले लिया इसको लिख दिया हमने n, हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं बेटा x इक्वल टू log m एट टू द बेस a, और यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू log n टू द बेस a, ठीक है। अगर यहाँ तो हो गया तो फिर हम अगर इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों क्या कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो a की पावर x इंटू ए की पावर y इज इक्वल टू एम इंटू एन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? फिर हम जानते हैं यहाँ से हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू log a, सॉरी log m इंटू एन टू द बेस a। बात समझ में आ गया यहाँ तक? और यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे अपने पास, यहाँ से हो जाएगा x की वैल्यू log a हो जाएगा, सॉरी log m हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log n हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log m इंटू एन हो जाएगा। मुझे लगता है अब पूरा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है।
हम हर एक फॉर्मूले का रीजन ही बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, लेकिन तुम जान लो कि ये फॉर्मूले सीधे यूज होते हैं, है ना। हमने ये रीजन इसलिए बता दिया ताकि अभी हम कभी मान लो क्वेश्चन फंसेंगे तो हम लोग इसी लड़ेंगे, हमारा लड़ना यहीं से होगा, असली लड़ाई हमारी यहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए काफ़ी क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूले से लग जाते हैं, लेकिन एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, है ना बेटा, ताकि क्वेश्चन में अप्रोचिंग हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। एम अपॉन एन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग, ठीक है, एन हो जाएगा। बोलो क्लियर है। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, लॉग, ठीक है, यहाँ पर जाएगा एम की पावर एन आ जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे बेटा हम, लॉग, ठीक है, एम एन लॉग एम। अच्छा, यहाँ एन डज नॉट इक्वल टू जीरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वैसे जीरो पे कहाँ नंबर आप ढूंढने वाले हो, हमने पहले ही बता दिया था तुम्हें, है ना, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर की, अब हम कंडीशन ही क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी कंडीशन से ही सब निकले लिखे जाएंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन में, हर एक फॉर्मूले में ये नहीं बताऊंगा एम मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अब तो बातें समझ में आई गई होंगी। ठीक है, तो अभी वो सब नहीं बोला है ना, अब थोड़ा ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि लॉग एम की पावर एन है, एम की पावर एन, और यहाँ पर मान लो आपका एक्स है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, तो इसको मैं लिख दूंगा लॉग, ये जो n पावर में है, बेस की पावर में है ना, इसको लिखूंगा यहाँ पे 1 बाई एन, और यहाँ पे लिख दूंगा m, और यहाँ पे लिख दूंगा आपका x। बोलो क्लियर है। अगर हम यहीं पे फॉर्मूला एक बात कर लेते हैं, नए फॉर्मूला एक बात कर लेते हैं कि लॉग, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं m की पावर n इंटू एक्स की पावर y, ऐसा कुछ लिख देते हैं, ऐसे लिख दो m की पावर x और n की पावर y, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बेटा बन जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपका y अपॉन ऊपर वाला पावर गुड़े में और नीचे वाला पावर भाग में रहेगा, ऐसे रहेगा ना, ध्यान देना, और log आपका रहेगा m और यहाँ पे रहेगा आपका n। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया डाउट है, आ गया। log m n, अगर हमें इसको किसी पर्टिकुलर दूसरे बेस में तोड़ना होगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लॉग, ठीक है, यहाँ ए लिख दो, यहाँ एन लिख दो, अपॉन लॉग ए लिख दो, यहाँ एम लिख दो, ये वाला फॉर्मूला क्या क्लियर है। देखो, एक तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्योंकि ये देखो, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूले जो है ना, ये हमने बहुत पहले याद कर रखे हैं, है ना, तो ये तो इंपॉर्टेंट थे ही, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये फॉर्मूला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये भी है कि जैसे हम अगर हम इसको लिखना चाहें, इसी फॉर्मूले को एक मॉडिफाई फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे लॉग हमारे पास है एम है और एन है, बात समझना, ठीक है। तो अभी हमने इसको लिख दिया कि लॉग बेस ए लिख दिया हमने, एन लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया बेस ए लिख दिया हमने, यहाँ पे एम लिख दिया, बात समझना। अगर मैं इसको ऊपर लेना लेकर जाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लॉग ए हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, और ये इनटू में जैसे जाएगा बेस पलट जाता है बेटा, क्या हो जाएगा, बेस पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एम और यहाँ बेस, अब सॉरी, ये जो ये वैल्यू है ये एम बेस में चली जाएगी, और जो बेस है वो कहाँ चलेगा, वैल्यू में चली जाएगी, तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर ऐसा हो तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि लॉग एन टू द बेस एम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम, तो जरूरत जहाँ पे जैसी होगी ना, और ये क्वेश्चन में आपके जो एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी चेंज किया है कि लॉग एक्स वाई जैसे है तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, वन अपॉन लॉग वाई और एक्स, इस वाले फॉर्मूले से ना बेटा, लगभग मैंने कई साल में क्वेश्चन देखे हैं, कई सालों के क्वेश्चन देखे हैं मैंने इस वाले फॉर्मूले से, इनका और इनका मार्जिन मैंने देखा एक साथ, ठीक है, यूज हुए तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने इनके इस पे बेस क्वेश्चन देखे हैं, इस पे बेस, तो अभी हम इस पे भी बेस न्यूमेरिकल कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे और देखोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया, कन्फर्म से क्वेश्चन में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सेकेंड वाले में हुआ था, इसका मतलब ये जो हमारा दिसंबर वाला, नवंबर दिसंबर वाला पेपर होता है उसमें हुआ था, है ना, ये उसमें हुआ था, ठीक है। चलिए समझते हैं कि इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, है ना, पहले कुछ क्वेश्चन समझते हैं, भी तुमसे भी प्रैक्टिस कराएंगे, क्या तुम लोग ट्राई करना चाहोगे एक बार, हैं, तो चलो ट्राई करो 30 सेकंड कम से कम।
नहीं आया, वाइप आउट तीन, तुम्हारा कितना आया, वाइप आउट चार, मतलब तुम्हारा ओनली वाइप आउट तीन ना, यानी तुम दोनों का वाइप आउट तीन आया। चलिए चेक करते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले तो हम क्या करेंगे, आप देखो कोई भी क्वेश्चन मैं दूँ आपको, प्रयास करना है कि 30 सेकंड में आपको आंसर बताने हैं, कितने 30 सेकंड में, अगर 30 सेकंड में आप आंसर बताते तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको दिया कि y इज इक्वल टू 2 की पावर, अब 1/2 में है तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा log 8, यहाँ x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एक बात तुम समझ लो कि अगर ये जो वैल्यू लिखी हुई है और यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, जैसे कि 2 और log 2 और यहाँ पे x है, ठीक है, तो समझना इसके आंसर क्या आएगा, x आएगा, कहानी क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो अभी आंसर हमारे पास यहाँ पे जो होती है वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि x log x और y, इसका आंसर क्या आएगा, y आएगा, कोई दिक्कत है नहीं, बात सबको समझ आ गई, नहीं आ गई। इसका मतलब यहाँ से ये होगा कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा log, ठीक है, 8 लिखेंगे 2 पावर 1/3, इसको लिख देंगे x, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 जो है हमारा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत, सॉरी 3 था ना, ये 3 था, 1/3 नहीं, समझ पा रहे हैं तुम्हारी फोन, लेकिन ये 3 अगर 1/3 लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को, अब यहाँ का 3 यहाँ 1/3 कैसे बना, सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, क्योंकि ये जाएगा यहाँ 1/3 हो जाएगा, फिर n log m से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, तो सिंपली लिख दिया। अगर ये दोनों सेम हो जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमने बताया तुम्हें, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पर 1/3 हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे क्या, x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, y क्यूब लिख देंगे, और आपका यही आंसर हो जाएगा y क्यूब। क्लियर है, डाउट है, क्लियर है ना, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि log 2 log 3 log 2 log 3 81, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, हाँ 2, वेरी गुड, आपका आंसर, अरे देखो 3 की पावर कितना करने पर 81 आ जाएगा, 3 की पावर 3 पे आ जाएगा, 3 की पावर 4 पे आएगा, यानी इधर 4 आया, अब 4 की पावर कितने कर देंगे, 2 आ जाए, 2 पावर 2, इसका 2 आपका आंसर हो जाएगा, जिसने क्या, अब ऐसे क्वेश्चन में करने क्या जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन में को तुम देखो और आंसर दे दो, मतलब पिन कॉपी भी यूज ना करो, देखे कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, एन लॉग एम लगेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लॉग और 2 यहाँ पे, और ये हमारा 4 आ गया जाएगा, हमें पता है ये दोनों बेस इक्वल हो जाएंगे दोनों, तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने का, ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं बेटा हम 2 की पावर 2, दैट इज कॉल्ड, आपका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि log 2 और log 2 की इस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग log ये वाला रूल लगा रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 हो रही है, और दूसरा रूल लगा रहे हैं हम लोग कि log यहाँ m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m, दूसरा रूल ये लगा रहे हैं, तो बोलो समझ में आ गया, तो 2 रूल पे यहाँ पे क्वेश्चन लग रहे हैं, कर दिया जाए, ये तो इजी था ना। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मैं ऑप्शन अभी नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन देने कोई मतलब नहीं है, वैल्यू आप सीधे निकालो, क्योंकि इनमें ऑप्शन का कोई यूज नहीं है इसे ना, बाद में जब ऑप्शन का यूज होगा तो हम ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। 3 की पावर 3, तुम बताओ बेटा, ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन ले लो, 27 ऑप्शन ले लो, पहला ऑप्शन है इसमें, ठीक है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है आपका 3 पावर 9, चौथा ऑप्शन है आपका, ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका 9, अब बताओ, आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ही है,
थर्ड इज द राइट आंसर, बोलो। यस ट्राई करते हैं, कैसे तुम्हें बताता हूँ। अगर हम चलो थर्ड ऑप्शन का रखते हैं, 3/3 रख देते हैं, 3/9 रख देते हैं, तो ये 9 आ गया कि नहीं आएगा भाई। चलो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, तो हो जाएगा log 3, लिखेंगे log 3 और log m की पावर n लगाएंगे तो ये आगे आ जाएगी पावर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, log 3 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी 1 हो जाएगी तो हम इंटू में अगर 1 लिख दें, ऐसे इंटू में 1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 9 बन जाए, 9 हो जाए तो इसका मतलब हमारे पास 9 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। और फिर यहाँ से लगाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 3/3 लिखेंगे अपन, तो ये फिर से आगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। और आपको यही लाना था, इसका मतलब कितने पे होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन पे होना चाहिए आंसर। समझ में नहीं आया, कुछ था ही नहीं, पहले गलत बताया तुम लोगों ने, है ना। तो याद रखो क्वेश्चन तुम्हें सोच समझ के आंसर देने हैं। 1, 2, 4, 8 हाँ? तीसरा ऑप्शन है करेक्ट, पक्का लॉक किया जाए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, तब हम लॉक करेंगे, ऐसे सॉल्व मतलब ऐसे नहीं मानेंगे हम। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल है, 3 27 है, 27 को क्या लिखते हैं, 3/3, ठीक है। तो हम पहले इसको लिख देते हैं log 3/3 और 9 को लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं बेटा, log 4/2 और यहाँ पे 4/4 कितना लिख देंगे, 4/4 3 3, ओके डन। अपॉन इसको क्या लिखेंगे बेटा, log 2/2 इंटू 2/1/2, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने बोला था बेस की जो पावर होती है वो अपॉन में आती है और इसकी पावर जो होती है इंटू में जाती है, और log 3 की वैल्यू बन जाएगी भाई, log 3 टू द बेस 3 वैल्यू 1, क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे आओ, इधर बन जाए मेरे पास बन जाएगा कितना, 2, तो अपॉन में 2 आ जाएगा, इधर ऊपर मेरे पास 3 है तो ऊपर में 3 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 और ये भी बाई 2 में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, आपका आंसर हो जाएगा 4, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, क्लियर है, डाउट है, क्लियर है। तो मुझे लगता है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर लोगे, कि एक दो और बता दें इस टाइप के, एक दो और बता दें ना, एक दो और बता दें, उसके बाद हम फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में। अब वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रहे हैं ना, बढ़िया से आ रहे हैं, सारे PYQ ही बताऊंगा मैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 log, ठीक है, 2 log टू द बेस 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे आई थिंक 12 होगा, 12 नहीं 2 भी है, ठीक है, माइनस log 3 यहाँ 9 अपॉन 3 हो जाएगा, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 0 आ रहा है इस लड़के का। तुम लोग का भाई, तुम्हारा 0 आ गया, सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर क्या है 2/3, तो अपॉन में जस्ट हम तुरंत लेकर आ जाएंगे 3, इसका वैल्यू 1 हो गया, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, 3/2, इसका मतलब इंटू में आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 2/3 भाई, इधर भी आया 2/3 माइनस 2/3, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा, क्लियर है। ये भी पूछा गया है, ये किस ईयर में पूछा गया है, ये 2012 में पूछा क्वेश्चन गया है। आप सोचो अगर लॉगरिथमिक खाली लड़का पढ़ के चला जाए तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन उड़ा देगा। अब 1 से 2 क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आए और लॉगरिथमिक का यूज किया तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना, काफ़ी चैप्टर में लॉगरिथमिक यूज हो जाता है, पर्टिकुलर लॉगरिथमिक। तो बोलते हैं यार 1-2 क्वेश्चन के लिए लॉगरिथमिक चैप्टर को क्यों पढ़ना, लोग बोलते हैं कि 1-2 क्वेश्चन के लिए लॉगरिथमिक चैप्टर क्यों पढ़ना। मैं मानता हूं कि भले 1 क्वेश्चन आता है लेकिन 1 दिन में 1 क्वेश्चन तुम कवर कर पा रहे हो, और बड़े टॉपिक को तुम पढ़ोगे ना तो 1 दिन में कवर नहीं होता, मतलब तुम वहाँ 1 दिन में 1 क्वेश्चन कवर कर पाना बड़ा बहुत बड़ा मुश्किल काम है ना, लेकिन यहाँ पे तुम 1 दिन में 1 क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो, ईजी है, क्या दिक्कत है। और लॉगरिथमिक यूज तो बहुत ज़्यादा है, अब 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, है ना, लॉगरिथमिक के बहुत 1 आया, अधिकतर तो 1 आते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ आए है ना, ये तो 2 आते हैं, तो आते ही नहीं है, ठीक है, 2 ज़्यादा तो कभी नहीं आते हैं, मैंने देखा है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप पढ़ो,
क्योंकि लॉगरिथमिक आने से आगे जैसे कि एपीसी में लॉगरिथमिक इस्तेमाल हो रहा है, बहुत जगह लॉगरिथमिक इस्तेमाल हो जाता है ना, तो लॉगरिथमिक के फॉर्मूले फंडामेंटल काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए लॉगरिथमिक तुम्हें आनी ही चाहिए। ठीक है, लॉगरिथमिक एक टूल है भाई साहब वैल्यू निकालने का, तो हमें ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ रहा है बराबर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ तुम्हें। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन टू। हाँ बोलो, नौ पहला ऑप्शन तुम्हारा भी, चलो वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं 9 अगर सीधे रख दूँ तो log 2 यहाँ पे 9, ठीक है, एंड log 3 यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे log 9 यहाँ पे 16। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बेटा आपका आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 9 बोला ना तुमने, बेस 2 है ना, अरे ये होने वाला है ना, जैसे ये 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 3 log 2 ऐसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, ऐसे लिखेंगे, बात समझ आ रही नहीं आ रही, इसको क्या लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको 4, इसको 2 की पावर कितना कर दें, 2 की पावर 4 यानी 4 आ गया, इसको कितना लिखेंगे, 3 पावर 2 यानी 2 आ गया, और यहाँ हो जाएगा log 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, इसका मतलब 4 2 जाए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेशियो इक्वल होता है या नहीं, तो इससे कराएंगे और इसमें कराएंगे, रेशियो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ, अरे हो रहा है यार, करके दिखाऊं क्या, या फिर हमें पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई है ना, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे तुम्हें करके दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं, अब चाहे दो तरीके से कराते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है एक, उससे भी करके दिखा सकता हूँ, 2 2 जा कितना हुआ 4, इक्वल टू इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा कितना हुआ 4, log 2 3 और यहाँ पे इंटू log 3 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी हमने दिखाई थी इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब यहाँ से 4 इक्वल टू 4 1, तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप रेशियो इक्वल दिखा सकते हो, रेशियो इक्वल दिखने का मतलब हुआ कि इसमें इसको डिवाइड करा दो, ठीक है, और इसमें इसको डिवाइड करा दो, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ से 2 से 2 खत्म, यहाँ 2 से 2 खत्म, यहाँ पे 1 1 है, 1 अपॉन है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 1 अपॉन होने मतलब क्या हुआ, इधर हो जाएगा log 3 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 3 2, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलो करो। बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने यार इस वाले क्वेश्चन में, थर्ड ऑप्शन तुम्हारा कौन सा रहा है, देखो ऑप्शन डिस्कार्ड करना सीखो, है ना, क्या करना सीखो, डिस्कार्ड, देखो मैं ऑप्शन डिस्कार्ड करता हूँ, पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्यों, क्योंकि जैसे हम रखेंगे 0 रखेंगे तो 2 पावर 0 बनेगा, 2 पावर 0 मतलब 1 होता है, और 1 माइनस 1 में 0 हो जाएगा, और log 0 वैल्यू हाँ डिफाइन ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं 1, अगर हम 1 रखते हैं, समझना 1 रखते हैं तो log 1, देखो 2 पावर 1 बनेगा मतलब 2 आ जाएगा, 2 में 1 सेपरेट होगा 1 आएगा, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो क्या इनका डिफरेंस सेम हो पाएगा, डिफरेंस सेम नहीं हो पाएगा, दैट इज का मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इसको छोड़ो, इसको देखो, अब यहाँ पर अगर हम रख देते हैं टू की ये लॉग रखते हैं ये ऐसा, तो हम जानते हैं यहाँ 5 बनेगा, 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा आपका 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया log 2 आ गया आपका, यहाँ पे आपका आ गया log 4 आ गया, और यहाँ पे आपका कितना आ गया log 8। अब देखो मैं सॉल्व भी ना करूँ, मैं इसको ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकता हूँ, कैसे, मैं अगर ये रखूँगा तो ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, log और फिर 5 यहाँ पे पावर यहाँ बेस्ट, ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, सॉल्व हो नहीं पाएगा, इसका मतलब डिफरेंस सेम आ ही नहीं सकता, तो इसमें भी डिफरेंस सेम आ सकता है क्या, नहीं, तो हम देखते हैं, अगर हम इसको सॉल्व भी ना करें अगर हम, तो हम अगर ऑप्शन को खाई देखते काट करना चाहें तो ये तो डिस्कार्ड देखते कट रहा था, ये भी डिस्कार्ड देखते कट रहा है, ये भी आप थोड़ा बहुत रख के ऑब्जर्व करके डिस्कार्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये देखते ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा था, मतलब बिना सॉल्व किए, अगर आप सॉल्व भी करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसका इसका डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस का मतलब समझते हो ना, इसमें इसको सबट्रैक्ट करो, हम जानते हैं log 4
माइनस लॉग टू करेंगे तो मतलब 4 बाई टू आ जाएगा, जिसको बोलते हैं लॉग टू। अगर इसमें माइनस करेंगे तो 8 बाई फोर आ जाएगा, जिसको बोलते हैं लॉग टू। मतलब डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया, नहीं समझे क्या बात आ गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, आप ना भी चेक करते ना इसको, तो मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से ही भाई जीरो कर नहीं सकते थे, वन रखने पर किसी भी हालत में हो भी नहीं सकता था क्योंकि सीधे टर्म जीरो हो रहा था यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे जब हम देख रहे थे ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो वैसे भी डिस्कार्ड थे, बेस क्योंकि यहाँ टू था, यहाँ पावर थी, इसका मतलब यहाँ बेस टू ही होना चाहिए, तो सीधे ऑप्शन थर्ड जा रहा था देखते ही, मतलब सॉल्व भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, ठीक है 2011 में। 10 है, 10 की पावर लॉग 10 की पावर मॉड ऑफ एक्स। अब सोचो, अब तो आसान है, सोचो सीधे मॉड एक्स बराबर आ रहा है ना, अब तो सीधे कौन जा रहा है, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जा रहा है, क्लियर नहीं क्लियर। अब तो सीधे क्योंकि ये इसकी वैल्यू वन है भाई, इसकी वैल्यू मॉड ऑफ एक्स हो जाएगी, मॉड एक्स बराबर टू, तो जाहिर बात एक्स बराबर क्या आएगा, ये तो प्लस का टू आएगा, ये तो फिर माइनस टू आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना, मिसप्रिंट हो गया की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, बाकी आसान क्वेश्चन था। क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, ये बताओ। वन अपॉन लॉग टू एक्स प्लस वन अपॉन लॉग थ्री एक्स प्लस वन अपॉन लॉग फोर एक्स प्लस वन अपॉन लॉग फाइव एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन लॉग 2002 एक्स, ठीक है। वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू है 2002 फैक्टोरियल। आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन में आंसर वन ही आता है। नहीं मैंने समझाया था, पेपर पहले भी समझाया था, टेंशन ना लो, कैसे करेंगे ध्यान समझो, ये सब पलट जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे लॉग, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा टू प्लस लॉग, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा थ्री प्लस एंड सो ऑन लॉग, ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 2002। यहाँ तक समझ में आ गया, हम इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं वन, क्योंकि लॉग जीरो की वैल्यू भाई, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो बात तो वही हुई। अब ये बन रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन, प्लस में है तो इनटू में जाएगा सीधे बात ना, तो लॉग एम इंटू एन होता है, यानी कि वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एंड सो वन 2002 तक। अब ये क्या बन गया, फैक्टोरियल बन गया, तो इसको ले सकते हैं भाई साहब लॉग एक्स, ये हो जाएगा 2002 फैक्टोरियल, और 2002 फैक्टोरियल की वैल्यू एक्स की वैल्यू यही है, अगर ये दोनों सेम हो जाए इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर आंसर वन आने के चांस रहते हैं, सभी में रट्टा मत मान लेना, लेकिन 90% चांस रहते हैं वन आएगा, ठीक है। इसी तरह के होते हैं, अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई जो भी पूछे गए क्वेश्चन अच्छे से थे, मैंने बता दिए। लॉग कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज सेटिस्फाइंग जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। जो x है वो इसके बीच में रहेगा, तो हमारा बताना है कि कौन सा आंसर, ठीक है, कौन सी x की वैल्यू होगी जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, हमें ये बताना होगा। ऑप्शन में है पाई बाई 12, सेकेंड ऑप्शन है आपका पाई बाई 3, थर्ड ऑप्शन है आपका, ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पाई बाई 3 अगला क्वेश्चन है पाई बाई 4, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पाई बाई 6, थर्ड वाला होगा ये, मतलब ये ऑप्शन होगा पाई बाई 4 एग्जैक्टली। तो चेक करते हैं पाई बाई 12 होगा नहीं होगा। अब पहले बस साइन पाई बाई 12 पे, मतलब ऐसे सोचो साइन और कॉस को सेम कैसे करना है, पहले ऐसे सोचो, सरीका सीखो सरीका। तो लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पे अगर हम कॉस एक्स बना भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉस 90 माइनस एक्स होगा और वैल्यू वन आएगी। मतलब यहाँ पे तुम्हें ऐसे सोचनी है कि 90 में कितना हम सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो एक्स के बराबर हो जाए, सोचने वाली बात है, अगर ये दोनों सेम होंगे तभी वैल्यू वन आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू, सोचने नहीं था, नहीं समझे क्या बात आगे, सिंपल था कि डिफिकल्ट था, ज़्यादा ही सिंपल था, 2021 का क्वेश्चन नहीं है।
वन बाई लॉग टू एन प्लस वन बाई लॉग थ्री एन प्लस वन बाई लॉग फोर एन प्लस एंड सो ऑन प्लस वन अपॉन लॉग हंड्रेड एन वेयर एन इज इक्वल टू हंड्रेड फैक्टोरियल। हाँ आंसर क्या आएगा वन। तो ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आंसर आपको वन आता है। तो जैसे में हमने लिखा हो तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एन टू हो जाएगा प्लस लॉग एन थ्री हो जाएगा प्लस लॉग तो हंड्रेड हो गया। उसके बाद ये लॉग इतना हो गया। अब उसके बाद मैं जानता हूँ एन और ये हंड्रेड है दोनों सेम हो जाएंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वन। ये भी 2021 का क्वेश्चन था फर्स्ट पेपर की बात है। ठीक है अब तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि इस तरह क्वेश्चन आ गया तो उड़ा देंगे बेटा आसान नहीं आ रहे हैं। अब धीरे धीरे लेवल पेपर का क्या होता जा रहा है हाई होता जा रहा है हम तुम्हें पहले बता रहे हैं। नेविक पेपर देखा था इस बार का? हाँ एनडीए बना रखा है उसको एनडीए बना रखा है उसको समझे। तो मुझे लगता है कि मन लगा के पढ़ लो फायदे में रहोगे। कैदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और कैदे में नहीं रहोगे तो फिर बेटा भूल जाओ। अब तुम्हें फोकस करना है रिवीजन पर पढ़ने ये पढ़ाने पे नहीं कि सर कितना पढ़ा दे कितना पढ़ा दे। तुम्हें रिवीजन फोकस करना है 3125। अगर तुम लोग क्यूब घन याद किए होते ना तो तुम लोग आज यहाँ पर क्वेश्चन और इजी तरीके लगा सकते थे। 10 24 तो 10 की पावर 2 पावर 10 है ये तो ये हो जाएगा 1/10 ये हो जाएगा log 5 और इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 10 लिख देंगे माइनस log 5 10 लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/5 log 5 और यहाँ कितने की पावर 5 पावर कितनी कर देंगे ये आ जाए। इसलिए बोलता हूँ याद करो 5 पावर 5 में कितना आंसर आता है 5 की पावर देखो 5 की पावर 4 में कितना आंसर आता है 6 पावर 25 आता है और 4 में 6 2 5 में 5 आंसर कर दो आ तो जा रहा है 6 बने 5 बार है ना। यहाँ तक बात समझ में नहीं आया ये नहीं ये आगे आ जाएगा पावर क्या आ जाएगी आगे आ जाएगा 10 से 10 खत्म हो जाएगा 5 से 5 खत्म हो जाएगा। अब देख लो log m माइनस log n और प्लस n देखो तो 1 ही हो जाएगा इसका काम खत्म इसको समझो तो ये हो जाएगा 2/10 है ना और माइ प्लस यहाँ पे हो जाएगा log 5 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बात खत्म इसकी वैल्यू 1 रखो। यहाँ तक समझ नहीं आया 2 5 10 होता है यानी ये माइनस 1 आ गया और ये प्लस 1 आ गया आंसर क्या आ गया 0। ये 2020 का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का समझ आया कि डाउट है आ गया। अगला प्रश्न चलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोको जागर राम दूत अतुलित बल नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवर सुमति के संगी कंचन वरम विराज सुबेस कानन कुंडल कुंजित केता हाथ ध्वज 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 कांधे मुझने सजय शंकर खजरे न ते लो महादेव नमो सब फराटेदार याद रखो लोगे ला 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 ठीक है। क्वेश्चन के भौकाल को देखे कृपया डरे नहीं क्वेश्चन इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 सेकेंड ऑप्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 थर्ड ऑप्शन 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स प्लस 1 प्लस वाई का होल इनवर्स प्लस 1 प्लस जेड का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 फोर्थ ऑप्शन 1 प्लस एक्स का होल पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस वाई का होल पावर माइनस 2 प्लस 1 प्लस जेड का होल पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। मैं आपको बताता हूं एक तरीका बेस्ट तरीका जब भी आप हो जाएं कंफ्यूज
जब भी आपके दिमाग की बत्ती हो जाए गुल, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू ज़ूम कर सकते हैं, 2 2 2 हमें ज़ूम कर लेते हैं कुछ क्षण के लिए, है ना। तो इससे ऑप्शन डिस्कार्ड करने में हो जाएगा आसानी। पसंद में आएगी नहीं आएगी। हमने चूज कर लिया ए, हमने चूज कर लिया बी, हमने चूज कर लिया सी, कि ए बी सी हमारे पास ये हैं, किसी भी ए बी सी के लिए है आंसर आएंगे, बात समझो। तो कोई भी ए बी सी में ज़ूम कर सकते हैं, हमने ए बी सी ज़ूम कर लिया 2 2 2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड होता है इजीली। तो अगर हम यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू भी दो ही होगी, सी जेड की वैल्यू भी कितनी होगी, दो ही होगी। अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन तुम्हारा बेटा वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब दूसरा ऑप्शन देखो, 2 2 4 4 2 6, क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। अच्छा बेटा अब इसमें आ जाओ, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, 1/3 + 1/3 + 1/3, आपका आंसर आया 1, ये ऑप्शन हो सकता है। हम अभी कहेंगे नहीं, जब तक देखो एग्जांपल से ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं, सही नहीं होते हैं, जब 3 डिस्कार्ड हो जाएंगे तो 1 तो सही है ही है फिर, है ना। तो ये देखो ये क्या होगा, ये किसी भी हालत में नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, नहीं समझ में आई बात भाई। हर जगह सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि तुम नहीं सॉल्व ही करो, बवाल करो, लॉग लो एंटी लॉग लो स्क्वायर करो, जरूरी है इतना नहीं सोचना है वहां पे, क्योंकि कोई भी एबीसी ही रहेगा वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इसका मतलब हम 1 ले नहीं सकते थे, हमने 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, 4 4 ले लिया, कुछ भी ले लेते। समझ में ना आया हो बताओ, आ गया मजा आ गई इस क्वेश्चन में। चलो यही अप्रोचिंग है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन मिला देखो बताया मैंने,